हम में से कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है, हम सब जानते हैं। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में दो फ्लैग शो करते हैं। दिस इज द मैप आई प्रेजेंटेड हियर लास्ट ईयर। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाजे तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। इट्स अ मैप ऑफ अ ब्लेसिंग। इट शोज इजराइल, इजराइल एंड इट्स अरब पार्टनर्स फॉर्मिंग अ लैंड ब्रिज कनेक्टिंग एशिया एंड यूरोप। आज हैं कल नहीं होंगे। जब इस्माइल हानिया साहब की शहादत हुई थी तो मैंने उस वक्त आपसे कहा था, दो नक्शे दिखाए जिसमें एक समूह को अभिशाप कहा गया और दूसरे को आशीर्वाद। इलाके के डाकू नहीं काबू आ रहे, वो उनको क्या रोके। ये देखे, ये बड़ी गहरी बात की है इंडिया के, कच्चे के डाकू नहीं मार रहे, संभालने जा रहे हमने इसराइल का मुकाबला। और जिस समूह को आशीर्वाद के रूप में दिखाया गया उसमें भारत है, और भारत के द्वारा जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की पहल की गई है उसकी झलक है। इसराइल का ये जो स्टैंड है भारत के लिए, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर इसके ऊपर चर्चा हो रही है कि इसराइल भारत का सबसे बेहतरीन दोस्त बनता चला जा रहा है, बिल्कुल जिस तरह के रशिया है। 67 लोगों ने नहीं बचना, जिसमें 40 कम्प्लीट हो चुके। कल रात 40 लोग शहीद कम्प्लीट हो चुके, जो उनकी लिस्ट में है सैनियों की, उसमें एक पाकिस्तान में भी है। जो मैप शो किया गया, नक्शा शो किया गया कि इंडिया को ब्लेसिंग कहा गया, क्या वजह है? अमेरिका हो भाई, इसराइल हो, बात सुने। हाँ। मैं बताता हूँ, अगर आपको परेशानी है ना, तो अगर मैं आपके पास आके कुछ भी नहीं कर सकता, आपकी दिलाजारी सिर्फ कर दूंगा ना भाई, मैं आपके साथ हूँ, तो आपको अच्छा लगेगा। खबर ये है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशन में दो फ्लैग शो करते हैं। एक फ्लैग पे वो ग्रीन कलर का मैप में मतलब दिखाते हैं, जिसका मकसद ये है कि ये लोग, ये कंट्रीज हमारे लिए ब्लेसिंग है, जिसमें इंडिया को पॉइंट आउट, वाजे तौर पे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि इंडिया हमारे लिए या पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग है। दूसरे मैप में वो ब्लैक कलर का सारा शो करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि ये कंट्रीज कर्स हैं हमारे लिए या दुनिया के लिए, परेशानी का बायस है, लानत का बायस है। पाकिस्तान का नाम ना ही दुश्मनी में आया, ना ही दोस्ती में आया। पब्लिक से पूछेंगे, हम यहाँ पे हर बंदा ये कहता है जी इसराइल को मार देंगे, इसराइलियों को मार देंगे, यहूदियों को मार देंगे, लेकिन वो लोग तो ना हमें अपना दुश्मन गिनते हैं, ना ही अपना दोस्त गिनते हैं। पब्लिक की क्या ओपिनियन है, क्या समझते हैं कि फलस्तीन के साथ क्या पाकिस्तान का खड़ा होना दुनिया के लिए कोई असर रखता है? क्या इसराइल को इसका कोई असर होगा, कोई फर्क पड़ेगा कि जी पाकिस्तान फलस्तीन के लिए खड़ा है? और दूसरे नंबर पे इंडिया इस टाइम एक ऐसा कंट्री है जो फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मिला, और वो उन्हीं के लीडर या इंडिया को ये कहा जा रहा है इसराइल की तरफ से कि भाई ये हमारे लिए इस टाइम नेमत है या एक पॉजिटिव निशानी है। हमारे एटॉमिक पावर की या एटॉमिक प्रोग्राम की कितनी वर्थ रह गई है, मैं आपको खबर बताता हूँ। इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है, उसने यूनाइटेड नेशन में एक मैप शो किया, जिसमें उसने बताया कि भाई जो कंट्रीज हमारे लिए समझ ले ब्लेसिंग्स हैं, खुशकिस्मती हैं, उसमें उन्होंने इंडिया का, उसने जो उनसे इंडिया का मैप शो किया और बताया कि ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। इवन सऊदी अरेबिया का मैप भी उसमें शामिल है, वो जो एरिया वो भी शामिल है, ये ब्लेसिंग है। लेकिन ईरान, इराक, इनको बोला कि ये हमारे लिए अजाब है, लानत है, दुनिया के लिए अजाब है। क्या कहना चाहेंगे, इसका मतलब है कि भाई इंडिया इस टाइम पूरी दुनिया के लिए ब्लेसिंग का वो बना हुआ है? बिल्कुल इसी तरह से इंडिया बिल्कुल पूरी दुनिया के लिए जो ब्लेसिंग का हुआ है, क्योंकि वो लोग किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार हैं, वो सबके साथ सिर्फ अपने बिजनेस के मुफाद की हद तक वो काम करते हैं। और आजकल पाकिस्तान के हमारे भी जो है वो हुक्मरान यही काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं पाकिस्तान की तो बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है, पाकिस्तान को तो कहीं पर कुछ माना ही नहीं जाता है, क्योंकि हमारे हुक्मरान हमारी आवाज उठा के राजी नहीं है। हमारी आवाज क्या, मैं कहता हूँ फलस्तीन तो दूर की बात, इधर जो पाकिस्तान में हो रहा है। खान साहब मुझे ये बताएं, फलस्तीन और पाकिस्तान ओवरऑल अगर बात करें, क्या आप कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में क्या इससे फर्क है? देखो आज कल जो है जो फलस्तीन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। अच्छा, तो ये पर हम मुसलमान लोग हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इकट्ठा होके हम उसके आवाज उठाए। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इकट्ठे होके आवाज उठाए, मुझे बताएं कि क्या तमाम मुस्लिम कंट्रीज इकट्ठे हो सकते हैं? होना तो चाहिए, बनता है। अच्छा। क्योंकि जितना फलस्तीन में जो है वो जुल्म हो रहा है हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर, बहनों के ऊपर, माओं के ऊपर, पूरी मुस्लिम उम्मा को जो है इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन इधर ये चीज है ना, जो भी ईरान का प्रेसिडेंट ने आवाज उठाई, मारा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमास का जो चीफ था, वो जिसने जंग स्टार्ट की, वो मारा गया। अभी ये खबर आ रही है कि हिजबुल्ला, जो कि एक बड़ी, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो हेड है उसे भी इसराइल ने
जोन साहब वो मार दिया है, यानी कि जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। सिर्फ यही चीज है कि जो आवाज उठाने वाले लोग हैं उनके साथ चलने वाला कोई नहीं है, और जो जो आवाज बुलंद करते हैं उनके साथ फिर जो है क्योंकि वो तन्हा होते हैं। सर इसमें एक चीज ये भी है ना कि इसका मतलब ये है कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि उनके पास इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, उनकी इकोनॉमी बड़ी है, इकोनॉमी बेहतर है, इस वजह से जो भी आवाज उठाएगा या तो हम भी अपनी टेक्नोलॉजी बेहतर कर लें, अपनी इकॉनमी बेहतर करें, फिर हम मुकाबला करें तो पता चले। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अगर पाकिस्तान और चंद हमारे जो ममालिक हैं ईरान है या और दोस्त ममालिक हैं, खाली उनको एक कह दें कि हम भी एटॉमिक पावर हैं, अच्छा हमारे पास भी मिसाइल मौजूद है, हम आप लोगों के साथ खड़े हो सकते हैं फलस्तीन के साथ, तो बिल्कुल ये समझौता हो सकता है। जनाब जनाब कैसे हैं आप, आए आपसे उस दिन भी बात करके बड़ा अच्छा लगा था। आप मेरी खबर टॉपिक सुनिएगा, अभी इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर कहा कि इंडिया ब्लेसिंग है, और जो पाकिस्तान को तो कहीं गिना ही नहीं, कहीं भी नहीं गिना, ना ब्लेसिंग में ना किसी चीज में, और ईरान और इराक को बोला कि ये लानत है। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम इसराइल जिस तरीके से हमास के लीडर को मार दिया, इसके बाद हिजबुल्ला के लीडर को भी खबरें आ रही है मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा आगे आ जाए, क्या इसके ऊपर आप ओपिनियन रखते हैं अपनी? मैं यही सोचूंगा कि देखें हमारा प्राइम मिनिस्टर गया वो, अच्छा। देखें मोदी जो है वो फलस्तीन के वो वज़ीर-ए-आज़म को मिले, ठीक है, हमारा ये शहबाज शरीफ साहब गए हैं ये उनको नहीं मिले, ठीक है, इनका काम बनता था कि हमारे मुस्लिम ममालिक उनको हम हौसला दें, चले कर हम कुछ भी नहीं सकते, वो हमें भी पता है हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक अच्छा। है क्योंकि उनके सामने दो नक्शे पेश किए गए, ठीक है, दोनों नक्शों में हमारा कहीं नाम था ना, ब्लैक में ना ग्रीन में, ना दोस्ती में ना दुश्मनी में, उन्होंने उन्होंने कहा ये आपस में लड़ रहे हैं यार इनको छोड़ो ये अलग है अलग है, इग्नोर करने वाली बात नहीं, दुनिया की एटॉमिक पावर है हम भी, हमें इस्लामिक पावर, हम पहली इस्लामिक पावर हम ही है, हमारे पास ही है, हमारे पास ही है, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी वैल्यू कोई नहीं, क्या वैल्यू होगी भाई, जंग लग गया होगा हमारी एटम बम को, और क्या होना, मेरी बात अभी मेरी बात सुनो, उस एटम बम का क्या करेंगे, देखें जब पीछे चले जाए आप 2000 साल पहले चले जाए, हमें जो हमें सिखाया गया, जो हमें किताबों में पढ़ा गया, हजरत अली को बताया जाता था कि जी आपने फलाने मुल्क को फतह करना है, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म, वो सफर नहीं देखते थे, अच्छा वो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे, आज हमारे लीडर इधर नारे तो लगा लेते हैं लेकिन हम उधर जाके खामोश होते हैं। आपसे मजीद भी सवाल करूंगा, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। क्या करते हैं इकबाल साहब? सर मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में होता हूँ। सर फिर तो आपसे बात करके ही बड़ा अच्छा लगेगा, और मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले ये बताएं जो बात करेंगे ईमानदारी से करेंगे, अनबायस होकर ईमानदारी, मुझे बताएं यूनाइटेड नेशंस में एक नक्शा शो किया है जिसमें उसने बोला है इंडिया ब्लेसिंग है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब यूएसए के विजिट पे गए हैं उन्होंने वहां पे जाके अपना फलस्तीन के प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसराइल इस टाइम जिस तरीके से ओपनली ये कहता नजर आ रहा है कि भाई हम जंग नहीं रोकेंगे, जहां जहां पे भी कोई हमारे खिलाफ बोलेगा हम उसे मारेंगे, काटेंगे, खत्म करेंगे, हम नहीं रुकेंगे, चाहे दुनिया में 57 इस्लामी कंट्रीज हैं, हमास के लीडर ने आवाज उठाई बोला उसे उड़ा दिया, इसके अलावा हिजबुल्ला के जो अभी लीडर थे उसने आवाज उठाई, हसन नसरुल्ला अभी खबरें आ रही हैं मार दिया गया, ईरान के जो बहुत प्रेसिडेंट कहते थे जी मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा वो भी मार दिए गए। इन सारी बातों का जवाब सिर्फ एक शेर में है, क्या? मुतहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, अच्छा तन्हा हो रोते क्यों हो मर जाओ, हाँ मर जाओ।